राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो क्यों ना उनके कहे हुए कुछ वाक्यों को सुनकर उनको याद किया जाए। तो प्रस्तुत है उनके द्वारा कुछ कहे गए कोट्स। केवल प्रसन्नता ही एक ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरे पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें आपके ऊपर अवश्य पड़ती हैं। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही उसकी बुराई है। किसी ना किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता सबको रहती है। विश्व के सभी धर्म भले ही चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सब लोग इस बात से सहमत रहते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य ही सदा जीवित रहता है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देती है। निरंतर विकास जीवन का नियम है, जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों ज्यों सेवा की जाती है, त्यों त्यों उसमें अनेक फल आते चले जाते हैं और उनका अंत जो है वो हमेशा अच्छा होता है। यदि आप अल्प मत में हैं तो सच है तो सच है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर लोग आप पर हंसेंगे, फिर आप उनसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। जो भी चाहे अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सकता है, वो सबके भीतर है। गर्व लक्ष्य को पाए गए प्रयत्नों में निहित है, ना कि उसे पाने में। मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं किसी को मारने के लिए तैयार हूं। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, अपितु उसके चरित्र से की जाती है। मैं सभी की समानता में विश्वास रखता हूं, सिवाय पत्रकारों और फोटोग्राफरों। मैं तुम्हें शांति का प्रस्ताव देता हूं, मैं तुम्हें प्रेम का प्रस्ताव देता हूं, मैं तुम्हारी सुंदरता देखता हूं, मैं तुम्हारी आवश्यकता सुनता हूं, मैं तुम्हारी भावना को महसूस करता हूं। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है कि हम अपने साथ और दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं। कुछ करने में या तो उसे प्रेम करें या उसे कभी करें ही नहीं। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अपने आप अमन आ जाएगा।